देहरादून एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल को खाली करा लिया गया। एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जितने भी एयरपोर्ट कर्मी, एयरलाइंस कर्मचारी, हवाई पैसेंजर थे, उन सभी को बाहर कर दिया और सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से एयरपोर्ट टर्मिनल को घेर लिया। एयरपोर्ट टर्मिनल पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि धमकी के चलते ये जांच की गई है। उत्तराखंड का हल्द्वानी इन दिनों रील प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। रील का क्रेज लोगों में ऐसा है कि व्यूज के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। हल्द्वानी के शनि बाजार में भी कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला, जहां एक युवक वीडियो बनाने के लिए शरीर पर काला रंग पोतकर अर्धनग्न अवस्था में घूमता मिला। महिलाओं को युवक की इस हरकत से असुविधा होने लगी। उसकी हरकत ने बाजार में हलचल मचा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर थाने ले गई। आजकल कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में लोग चर्चित होने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो दोनों तरीके से लीगली और सोसाइटी में जितने नॉर्म्स बने हैं उनके हिसाब से गलत है। हमने कल ही रामनगर थाने में एक FIR पंजीकृत की है जिसमें कुछ लोगों के कब्जे से हमने कुछ वेपन बरामद किए थे और इन लोगों के द्वारा उन वेपन का डिस्प्ले जो है सोशल मीडिया में किया जा रहा था। इसके साथ ही कल एक मामला हल्द्वानी कस्बे में भी आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने शरीर पर कुछ कलर करके और जो है उसका सोशल मीडिया में प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ऐसे मामलों में हमने पहले भी कार्रवाई की है और अगर ऐसे कोई इस तरीके के जिसको ऑब्सीन और इलीगल एक्टिविटीज़ में जो लोग संलिप्त हैं और सोशल मीडिया पर अगर उसको डालते हैं तो हम ऐसे मामले। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा संचालित की जाने वाली गंगापुर कांडवाल गांव में स्थित गौशाला में कई स्थानों पर हाथियों द्वारा दीवार तोड़ दी गई, जिसके बाद कई जानवर गौशाला से बाहर भी निकल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम गौशाला की समुचित रूप से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, इसका खामियाजा आसपास के गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, जो दीवार तोड़ी गई थी उसमें नगर निगम ने उसका निरीक्षण कर चुके हैं और वहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बात है, जो पशु बाहर गए थे उनको जो गौशाला में हमारे कर्मचारी और जो संस्था काम कर रही है उनके द्वारा उनको पकड़ा जा रहा है और जल्दी ही उनको ये कार्य पूर्ण करके पुनः की तरह गौशाला फिर से गतिमान हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर कैमरे इत्यादि लगे हैं और इसमें नगर निगम द्वारा जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि पर्याप्त जो है वो मैन फोर्स वहाँ पर रहे, जिससे कि जो है आने वाले समय में इसकी प्रॉपर जो इंस्पेक्शन उसका किया जा सके। इसकी ध्यान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित हाथीबर कला में शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी द्वार का लोकार्पण किया है। इस दौरान शहीदों के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी राजपूताना राइफल्स में जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है और चाहे आर्मी ऑफिसर्स के रूप में हो, चाहे जवान के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर देश की रक्षा करना चाहता है। अभी आपने पास आउट परेड में देखा होगा, हमारे छोटे से स्टेट के 29 कैडेट पास आउट हुए, जबकि उत्तराखंड जैसा जो हमसे कई गुना बड़ा राज्य है उसके 52 कैडेट थे। इस बात का प्रतीक है कि चाहे अफसर के रूप में हो, चाहे जवान के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की रक्षा। शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा देहरादून में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने हाई स्कूल परीक्षा 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे।
लंबे इंतजार के बाद रविवार को पर्वतीय इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लोहाघाट क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात शुरू हुआ। लोहाघाट क्षेत्र के एबट माउंट, मायावती, फोर्ती, झुमाधुरी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी हुई है, तो वहीं नगर क्षेत्र में आसपास के इलाके में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली। वहीं क्षेत्र के किसानों व पर्यावरणविदों ने इसे शुभ संकेत बताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है, जो पर्यावरण और खेती के लिए अच्छा संकेत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें व्हीलचेयर पर बैठकर एक पैरालाइज्ड शख्स ऋषिकेश शिवपुरी में 117 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करता दिख रहा है। इसे लेकर कुछ लोगों द्वारा चिंता जताए जाने पर उसने कहा कि मैं खुश हूं, मुझे बंजी जंपिंग करना काफी पसंद आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बंजी जंपिंग का जोश एक दिव्यांग को इस कदर छाया कि ट्राई साइकिल से उसने जंप लगाया। हालांकि इस दृश्य को देखने के बाद कई लोगों ने चिंता जाहिर की, लेकिन जिस प्रकार से जो बयान इस शख्स का सामने आया है, उसके बाद जरूर इसके जज्बे को लेकर लोगों में जरूर उत्साह देखने को मिला है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र में तथा लाल टिब्बा, केमल बैक रोड, अटल गार्डन आदि जगहों पर हिमपात होने से लोगों के चेहरे खिल गए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। संगठन ने सरकार से 5 बिंदुओं पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए, वह जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार पर प्रभावी कदम उठाए। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, अल्पसंख्यक जो हिंदू है और अन्य समुदाय है, तो उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार का हनन है और इसको हमको आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सारे हिंदू जो संगठना है, उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि आप सभी मिल के, हम सभी यहाँ के जो अपने भारत देश के जो नागरिक है, सबसे आग्रह करते हैं कि हम मिलके वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हल्द्वानी के जितने भी संगठन है, तो हम सब मिलके एमबीपीजी कॉलेज में इसके खिलाफ। जोनसार बावर के ऊंचाई वाले स्थानों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही होटल व्यापारी काफी खुश है। किसानों के चेहरे भी बर्फबारी होने से खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट में 22 दिन से चल रहा जागर संपन्न हो गया। भूमिया देवता की पूजा अर्चना के साथ ही यह जागर संपन्न हुआ। 29 गांवों के सहयोग से आयोजित इस जागर में देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। समापन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भूमिया देवता के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। नवीन कालाकोटी से ने बताया कि समिति अध्यक्ष उमेश कालाकोटी के दिशा निर्देश पर 22 दिन का जागर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंचे और जागर में बढ़ चढ़कर सहयोग किया।